व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है नीरज और आज मैं पहली बार भी नहीं मैं खेलने जा रहा सर्वाइवल सीरीज और यह एपिसोड 1। सो हाँ, इस वाले वीडियो को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, वीडियो आने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गई क्योंकि एडिट में भी टाइम लगा और भाई मैं गाँव चला गया था उसके चक्कर में। बट इस वाली वीडियो बहुत ऑसम होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ आयरन फार्म और कोशिश करूँगा कि मैं एक विलेजर का भी घर, मतलब विलेज ढूंढ के और उनके लिए एक ट्रेडिंग हॉल टाइप बना दूं कि मैं उससे ट्रेड कर सकूं। और मैंने एक चैलेंज लिया इस एपिसोड में, मैं एक बार भी माइनिंग में जाके कोई सामान एक्वायर नहीं करूंगा, मतलब माइन नहीं करूंगा। माइन में जा सकता हूं लेकिन कुछ लूंगा नहीं वहां से। तो बिना किसी देरी के भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मतलब फटाफट से। चलो तो सामने ही वुड है भाई, सबसे पहले जल्दी से वुड काटते हैं, हाथों से तोड़ते हैं। ओके, तो मैं थोड़ा मतलब आगे आ रहा था तो भी भाई साहब लिटरली विलेज मिल गया, मतलब बहुत पास से ही है। तो मैं फटाफट पहले चलता हूँ यार, सबसे पहले विलेज चलते हैं यार, देख के आते हैं इसमें क्या कुछ मिल जाए, मस्त मिल जाए। ब्लैक स्मिथ क्या कहते हैं उसको जिसमें चेस्ट मिलते हैं, मैं नाम भूल गया हूँ। तो फटाफट से चलते हैं भाई, अब आयरन फार्म जल्दी बन जाएगा। अरे एक सेकेंड बाहर निकल। अरे भाई 1.20 मेरी ये ऑटो जंप वाला जो स्विमिंग में करते थे ना, बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। गुस्सा दिला दिया था इसने मेरे को, मतलब 1.20 आ चुका है तो वही दिक्कत है। और भाई मतलब लिटरली मैं 1.20 जब आया था ना उसके 2-3 दिन बाद ये वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा था, और अब जाके ये वीडियो रिकॉर्ड करके एडिट करके तुम्हारे पास जब आएगा पता नहीं कितना टाइम लग जाए। लिटरली भाई पूछो मत। पूछा किसी ने नहीं पूछा। अबे आते किसने स्वागत कर दिया, कौन ही नमूना। हेलो, ओके ट्राइडेंट वाला बंदा। चलो सबसे पहले खाना लेते हैं यार। ओके, तो खाना मिल चुका है, अब चेक करते हैं कहाँ जितने भी चेस्ट है उसको लूटते हैं फटाफट से। चेस्ट में तो उतना कुछ खास नहीं मिला लेकिन ठीक ही ठाक मिला था। आयन मिल चुका है हमारे को थोड़ा सा, और देखते हैं यार मेरे भैया हमें क्या बेचना चाहेगा। ओके, तो 9 एमरेल्ड चाहिए। एमरेल्ड के लिए या तो हमारे को एक ही ऑप्शन बचता है, उसको क्या बोलते हैं वुड काट के और उससे स्टिक से ट्रेडिंग करते हैं, वो फ्लेचर से वो करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं, जल्दी से आयन फार्म के लिए सामान इकट्ठा करते हैं, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। ओके, आयन गोलम यहाँ पे है तो एक काम करते हैं, पहले आयन गोलम को ही मार देते हैं उसके बाद चलते हैं। हेलो आयन गोलम, अरे यार लग जा, आ जा जल्दी। कहाँ पे है, यहाँ पे लगा देता हूँ। 4 ब्लॉक कहते हैं ना, 4 ब्लॉक ऊपर होता है, मेरे को मतलब उतना एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन 3 ब्लॉक पे देखता हूँ यार, लगेगी तो भाग लेंगे एक बार में तुम्हारे। कहाँ रह गया, हेलो एक सेकंड यार, ये बंदे के भी अलग ही नखरे हैं। कहाँ पे है भाई, हेलो। ओके, लग रहा है यहीं पे फंस गया है। ओके चलो ठीक है, यहीं पे मार के इसका खेल ख़त्म करता हूँ। हाँ तो चलो ख़त्म हुआ ये, उसके बाद अब चलते हैं, हमें फटाफट से फ्लेचर बनाना। फ्लेचर के मतलब 20 फ्लेचर के लिए हमें चाहिए 40, उसको क्या बोलते हैं उसका नाम क्या, फ्लिंट। हाँ फ्लिंट, आई थिंक फ्लिंट ही बोलते हैं। तो उसको फटाफट से इकट्ठा करते हैं, ग्रेवल से मिलेगा वो, तो उसको इकट्ठा करने के बाद मैं तुम्हें यार मिलता हूँ बहुत जल्दी। अब मतलब एक काम करता हूँ मैं, तुम्हारे को आइटम इकट्ठा करने के बाद ही मिलता हूँ। चलो बाय। 2 घंटे बिताने के बाद फाइनली मैंने 3 फ्लेचर बनाया। तो मैंने सोचा कि यार आयरन फार्म बनाने से पहले काम करता हूँ, मैं इनसे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर लेता हूँ क्योंकि अभी इनके वैसे ही विलेजर कम है, हमें 20 विलेजर चाहिए, तो उसके लिए भी तो हमें मतलब इनको ब्रीडिंग करवाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि उन्हें पहले एक काम करता हूँ, इनसे ट्रेडिंग कर लेता हूँ। तो मैं थोड़े से वुड इकट्ठे किए और उसके स्टिक बना के जल्दी से इनसे ट्रेडिंग करता हूँ फटाफट से करके, यार तुमको मिलता हूँ फटाफट। तो अभी तक का अपडेट ये है कि मैंने एक आयन का मैंने वो बना चुका हूँ, क्या बोलते हैं उसको, एक इंचेंटेड सॉर्ड बनाया नहीं है, मतलब ट्रेडिंग किया है एक आर्मर से, आर्मर करता है कौन करता है मेरे को इतना एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हाँ करा है मैंने एक से। और उसके बाद मैंने थोड़ा फ्लेचर को एक जगह बंद कर रहा हूँ क्योंकि यार ये लोग ना विलेज में घूम घूम के एक तो मर भी रहे हैं, बहुत से विलेजर मर चुके हैं यार ज़ोंबी से, क्योंकि मैं रात भर सो नहीं पा रहा था ना उनके वर्ल्ड में, रात भर नहीं सो पा रहा था इसके चक्कर में ये मर रहे थे पता नहीं क्यों। तो हाँ इसलिए इनको एक जगह कैद किया है 2 विलेजर को, और इनसे अभी मुझे ट्रेडिंग करनी है, ब्रीडिंग करवानी है इनको, बहुत काम है यार। मैं मतलब
जल्दी जल्दी वो करके तुमसे। और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं तुम्हें मतलब मेन मेन चीज़ बता रहा हूँ या दिखा भी रहा हूँ, क्योंकि 3 घंटे की वीडियो पहले रिकॉर्ड हो चुकी है। और हाँ, मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहता क्योंकि यार तुम अटेंशन उतना फिर नहीं आता ना, समझ रहे हो ना। तो हाँ, तुम्हें मैं मेन मेन चीज़ दिखा रहा हूँ और बाकी आगे चलो अब आयन फार्म भी बनाना है, मुझे समझ नहीं आ रहा बनाएंगे अभी थोड़े देर अभी आगे बनाएंगे, बट इनको पहले थोड़ा सेट कर दे उसके बाद। तो हाँ, मैंने मतलब थोड़े बहुत आर्मर बना लिया है, चेस्ट प्लेट मिल चुका है मुझे क्योंकि एक आर्मर को मैंने ट्रेड कर चुका हूँ। और हाँ, घर का भी तुम्हें दिखा देता हूँ घर का क्या हाल है। तो मैंने इनके घर को थोड़ा और मॉडिफाई करके यू नो बड़ा कर दिया क्योंकि छोटे घर में ये लोग रहते नहीं, कह रहे थे कि मेरे को बड़ा घर चाहिए और ये कह रहे थे कि मुझे कि थोड़ा एक घर बना दो। तो हाँ, इनके लिए घर भी बनाना है अभी, हमें ट्रेडिंग वाली बनाएंगे जिसमें ये लोग अंदर कैद मतलब रहें। और हाँ, मैं मतलब जल्दी से यार इनके लिए बनाता हूँ फटाफट, और अब तो पक्का ही आयन फार्म पे तुम्हारे को दिखाऊंगा सीधा आयन फार्म वाली फुटेज लिटरली सच्ची। तो यस, अब हम बना रहे हैं आयन फार्म, क्योंकि मैंने आइटम थोड़े बहुत इकट्ठे कर ही लिए, बेड भी सो चुके हैं, ब्लेजर भी मेरे आई थिंक थोड़े बहुत ब्रेडिंग करके मैंने कर लिया है। और हाँ भाई, ट्रेडिंग का भी ये अच्छा खासा मेरा चल रहा है, 16 एमरल्ड भी पड़े हुए हैं और भी आगे एमरल्ड अभी शायद चेस्ट में भी रखूँगा, मुझे याद भी नहीं आ रहा क्योंकि ये मैं शायद तीसरे या चौथे दिन रिकॉर्ड करने बैठा हूँ दोबारा से, उसके बाद जो शायद मैंने तुम्हारे को बोला था उसके बाद शायद। हाँ, तो वही अब मैं जा रहा हूँ जल्दी से बनाता हूँ, उसके बाद जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में देखो यार क्योंकि टाइम लैप्स तो बना नहीं सकता, यू नो पॉकेट वर्जन है यार। तो एक्चुअली मैं वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गया इसके आगे का, क्योंकि 40 मिनट के बाद वो अपने आप वीडियो स्टॉप हो जाती है, मुझे पता नहीं था। और ये 40 मिनट के बाद मैंने रिकॉर्डिंग टैप नहीं करी थी जिसके चक्कर में तुम्हारा वीडियो जो हमारी वीडियो थी वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। और हाँ, आयन फार्म बन चुका है, तुम पीछे देख सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक नंबर बेकार है, लिटरली बहुत बेकार है भाई साहब। ये वर्क करने के नाम पर मतलब कुछ भी नहीं कर रहा भाई, ये वर्क तो तुम छोड़ दो, एक स्टैक और मेरे हिसाब से एक स्टैक और कुछ ही हुआ है अभी, वो भी 1 घंटे 1.5 घंटे बाद, लिटरली 1.5 घंटे लगा और मुझे एक स्टैक और कुछ ही मिल चुके हैं अभी आयन, मतलब एक स्टैक यार 7 ऐसे कुछ है, रुक जाओ देखो ये देखो 1 स्टैक और 7 बस, शुरू होते ही ख़त्म है भाई ये फार्म, मुझे लग रहा है इसको तोड़ना पड़ेगा भाई, बहुत मेहनत लगी है। लेकिन हाँ, ये वर्क कर रहा है, अगर एक दिन छोड़ दो तो आई थिंक आधा चेस्ट तो भर ही जाना चाहिए इसके लिए। तो हाँ, इसको छोड़ते हैं और हम चलते हैं फटाफट से विलेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं भाई, वो तो तुम्हें दिखाऊंगा क्या अपडेट पूरा, लिटरली वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, लेट्स गो। तो गाइस, फाइनली बहुत देर की मेहनत के बाद फाइनली ये मुझे एक डायमंड का पेंट दे रहा है, लिटरली इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी, तो आखिरकार
हमने एक डायमंड का पेंट हासिल कर लिया लिटरली, मतलब मज़ा आ गया भाई। बहुत देर से मेहनत कर रहा था तब जाके ये, अब जाके मतलब ये एक्सपर्ट नहीं हुआ लेकिन मास्टर तो हो ही गया है। हाँ आई थिंक मास्टर ही है। तो हमारे पास एक आ चुका है, बाकी के हमें और तीन आर्मर जो है, बूट और चेस्ट प्लेट एंड हेलमेट, तो इन सबको भी करना है। लेकिन यार इनका घर भी अभी अपडेट करना है, मतलब बहुत सारे झंझट है, तो दोनों एक साथ करेंगे यार धीरे धीरे। तो लेट्स गो। तो अपडेट ये है कि मैंने चारों तरफ से बाउंड्री अच्छी खासी कर दी है, मतलब थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। और हाँ ये मतलब ठीक लग रहा है, बस अब रूफ बनाना है भाई। रूफ बनाने के बाद में तुम नहीं, तो क्योंकि इसमें बहुत सारे डिज़ाइन मैंने सोचा है। तो गाइस फाइनली मैंने पूरा ट्रेडिंग हॉल बना के तैयार कर चुका हूँ, और विलेजर को पकड़ने में भाई सब लिटरली हवा टाइट हो गई थी। तो हाँ यही है हमारा घर, छोटा सा प्यारा सा घर नहीं, क्योंकि घर तो मैं अभी बनाने वाला भी नहीं हूँ। एपिसोड 2 में हो सके तो बनाऊंगा, क्योंकि पार्ट 1 एपिसोड 1 में तो मेरा इसी में ज़्यादा टाइम लग गया है, और अभी पूरा आर्मर भी बनाना है। तो पहले मैं तुम्हें अंदर का एक बार इंटीरियर दिखा देता हूँ कि कैसा है कैसा नहीं है, और उसके बाद मैं तुम्हें वो भी दिखाता हूँ ट्रेडिंग करेंगे उसके बाद। सो एक सेकंड, अब गेट क्यों बंद करके चला गया। तो ये है हमारा, इधर फ्लेचर हैं जो हमारे को अच्छी खासी अमाउंट में चीज़ें बेचेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, यू नो, समझ रहे हो। और आगे है हमारा आर्मरर, और लेट्स गो, अब चलते हैं भाई सब जल्दी से इनसे ट्रेडिंग करके मैं आर्मर बना लूँ। यार बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लिटरली बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। फाइनली हमारे पास अब एक डायमंड का हेलमेट आ चुका है, दूसरा। और 3 दिन से भाई ट्रेडिंग करी जा रहा हूँ, लिटरली माइनक्राफ्ट के लाइफ में 3-4 दिन हो गए, 2 और बाकी के रियल लाइफ के 1 दिन तो मैंने सिर्फ वही करा था अलग से आयन फार्म के लिए, कि आयन थोड़े से मिल जाएगा जिससे इनसे ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो यार मैं फटाफट से तुम्हारे को लैगिंग में मिलूंगा यार, बहुत ज़्यादा टाइम होगा बहुत। तो इसको भी मैंने मास्टर करवा चुका हूँ, मतलब एक्सपर्ट करवा लिया है। और भाई ये हेलमेट और बूट दोनों देने वाला है, तो मैं पहले बूट ही ले लेता हूँ यार, हेलमेट मेरे पास वैसे ही है। तो फाइनली हमारे पास एक बूट भी आ चुका है प्रोटेक्शन 2 का, और अब हमें चाहिए बस एक चेस्ट प्लेट, जल्दी से उसको करके मिलता है यार। नहीं, ओके, अबे शिट। तो भाई 2000 साल से मैं ट्रेडिंग कर करके आखिरकार फाइनली मैंने एक डायमंड का चेस्ट प्लेट बना लिया। लिटरली यार बहुत ज़्यादा थक गया था मैं इस वीडियो को बनाते बनाते, क्योंकि यार एक मतलब बिल्डिंग में भी नहीं, बिल्ड भी नहीं हुआ ना कुछ, सिर्फ ट्रेडिंग में ही मेरी वाट लगा दी ऐसे ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा झंझट हुआ इसको बनाने में, झंझट हुआ मतलब। तो मैं एक सेकंड तुम्हें सो के उसके बाद बाहर चल के दिखाता हूँ, लेट्स गो। तो फाइनली हमने बना लिया अपने लिए एक डायमंड का आर्मर, भाई बहुत मेहनत लगी है। तो चलो गाइज आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।